जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय। अरे ये सुनसान जगह में कार किसकी खड़ी है? देखना पड़ेगा मुझे। हे भगवान, इस जमाने में क्या क्या देखने को मिलता है? इसमें तो कोई लाश पड़ी है। अरे ये तो लोक हो रही है। सीआईडी को फोन करता हूँ। ये देखो, इस मैप के आधार पे पूरा केस सॉल्व किया था लास्ट वाला। 7 दिन लगे थे इस केस में, इतना बड़ा केस था। सर क्या हुआ? हेलो, लगता है पार्टी कैंसिल। हाँ जी, हाँ मैं सीआईडी अभिजीत बोल रहा हूँ, बताइए। हाँ, ओ शिट, कौन से एरिया में? ओके ओके, हम पहुँचते हैं। अनलॉक करो गाड़ी को जल्दी से, आप साइड पे हो जाइए। उन्हीं को ही साथ है सर, बॉडी गर्म हो रही है। एक काम करो, इसको जल्दी से पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजो, क्विकली फास्ट। अभिजीत, कातिल कोई भी हो, सीआईडी छोड़ेगी नहीं उसको। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा स्मेल नहीं आ रही कुछ अंदर थोड़ा। हाँ, जब मैं अंदर गया तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा दम सा घुट रहा था, दम घुट रहा था मेरा। लगता है जो भी है सर इसमें कार में कुछ है। कार को फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजो, लगता है पता तो लगे इसमें क्या। कार ठंडी भी है। क्या देखा तुमने यहाँ पे? सर मैं आया था, मैं जा रहा था। कहाँ से आए थे तुम? सामने से, रोड से आया था। देखा चेक करे। और कोई देखा था तुमने इंसान यहाँ पे? नहीं देखा। मैं फिर आपको फोन करा था। लास्ट है किसकी आखिर? तभी तो राज खुलेगा कि कातिल ने इसको मारा क्या। थोड़ा सही आईडी वगैरह चेक कीजिए। अच्छा, राज ग्रुप का मालिक, राज इंडस्ट्रीज का मालिक। इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? और तो कुछ नहीं है सर, लगता है कोई फिरौती का मामला है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा असली सच तो। चलो, आप शहर छोड़ के नहीं जाएंगे, आप हमारे आई विटनेस हैं, ठीक है? आपकी जब जरूरत होगी हम आपको बुलाएंगे। रिपोर्ट्स वगैरह हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, आगे रिपोर्ट की रिपोर्ट पेश है सर। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, इसकी जो डेथ हुई है वो दम घुटने से हुई है। सर जैसे कि देखा जाए जो स्मेल थोड़ा गैस टाइप की थी, आई थिंक रिपोर्ट्स को देखें तो एक जहरीली गैस के थ्रू इन्हेलेशन हुआ है बॉडी के अंदर, या तो ब्लडिंग सर्कुलेशन वगैरह कुछ बंद हुआ है, सांस दम घुटने से कुछ भी डेथ हुई है। तो ये इसका मतलब अपराधी बहुत साथी रहे। सर कार की डोर बंद लॉक थी तो बाहर का तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कुछ। आस पड़ोस में पता क्या तुम लोगों ने कि किसी से कोई दुश्मनी? घर पे गया था, घर पे सबसे पूछताछ की, आस पड़ोस के पड़ोसियों से पूछताछ की, सबने बताया कि अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी था, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा इंडस्ट्री का मालिक और उसके साथ अचानक ऐसी घटना, वो भी जहरीली गैस देखे। एक काम करो, तुम उसकी कंपनी में ऑफिस में जाके पता करो किसी एम्प्लॉय से उसका कोई हाल ही में कोई झगड़ा हुआ है, और तुम उस कार मैकेनिक के पास जाओ जहां पे इनकी कार की रिपेयरिंग होती है, पता तो चले कि ये काम किया किसने। सेडी सर, आप ही हो ना राज मेरा के पार्टनर?
जो आपके पार्टनर राज मेहरा का खून हुआ है उसकी पूछताछ के लिए आपको ब्यूरो चलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ। मैं बाद में करता हूँ। सर ये राज मेहरा का पार्टनर वीके। अच्छा इसका नाम है वीके। हाँ ये उसी का पार्टनर है राज मेहरा। बैठो। तो वीके ये बताओ कि राज मेहरा का किसी से झगड़ा हुआ था क्या अभी? हाँ सर अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले हुआ था लड़ाई, उस टाइम हमने निकाल दिया उसको नौकरी से। कौन था? आर्यन पंडित नाम से कुछ था। आर्यन पंडित। क्योंकि वैसे यहाँ पर बहुत सारे इम्प्लॉय है बट वो मुझे याद है इसलिए क्योंकि एक काफ़ी टाइम पहले लड़ाई हो गया था बहुत ज़्यादा। तो क्या कोई मैटर हुआ था? हाँ कोई मैटर हो गया था। तो उसने कुछ धमकी दी थी क्या राज मेहरा को या कंपनी के लिए कुछ बोला था? नहीं वैसे कुछ नहीं बोला था लेकिन जाते टाइम उसने जरूर बोल के गया था कि मैं वापस आऊँगा जरूर। वापस उसका कोई एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगी तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल मेरे पास है, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो मैं आपको सबमिट कर दूँगा। ठीक है मुझे शेयर करो व्हाट्सएप पे, मैं अभी बात करता हूँ। हेलो हाँ अभिजीत, मैं तुम्हें कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर रहा हूँ, अभी उसकी लोकेशन ट्रेस करो। ठीक है हाँ। इधर छाक के बैठा हुआ है यार। और आरन जी अकेले अकेले चाय पी रहे हो? आप तारीफ हमारी तारीफ सुनोगे तो घबरा जाओगे। आरन जी आप मुझे कैसे जानते हो? अरे मैं आपके रगरस से वाकिफ हूँ। आर्यन जी मर्डर करके घूम रहे हो ना? मर्डर? कैसा मर्डर? और आप सीआईडी अभिजीत बात कर रहा हूँ जानते हो। हाँ तो मिस्टर आर्यन पंडित क्यों मारा था तूने राज मेहरा को बता? क्या करूँ सर, उसने मुझे कंपनी के सारे एम्प्लॉय के सामने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया मेरे अंदर इंसान से जानवर पैदा हो गया। और उसी दिन से मैंने कसम खा ली कि इस राज मेहरा को एक दिन मैं जरूर मार दूंगा। तो तब से मैं उसकी रैकिंग करने लगा और धीरे धीरे एक दिन लगा सकता कि तुम जैसा आदमी इतना घिनौना काम कर सकता है। प्रिंस जी सर ले जाओ इसको और डाल दो तिहाड़ की काल कोठरी में। चल ऐसे लोगों की यही सजा है।